हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। और आज देखिए 5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर स्टॉक ने दिखाई है। और ये गिरावट मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड ही थी, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल क्यूज हमारे बहुत ज्यादा नेगेटिव है। कुछ और भी बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेसिफिक खबरें आई हैं हमारे पास, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक में काफी गिरावट हुई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ तक हमारा स्टॉक गिर सकता है, क्या यहाँ पर हमारा अगर लॉस हो चुका है या प्रॉफिट में हो अभी भी, तो क्या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए या नहीं, कितना टारगेट लेके चल सकते हो, क्या बाइंग की जा सकती है यहाँ पे, यानी सभी सवालों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की, तो आप देखिए काफी ठीक ठाक स्टॉक है। यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो सारे जितने भी तीन स्पेशल फैक्टर होते हैं, तीन स्विंग ट्रेडर्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हमारे ड्यूरेबिलिटी स्कोर यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है कंपनी की, तो 70 है भी, तो बहुत ग्रीन है, बहुत पॉजिटिव है। वैल्यूएशन देखोगे तो जो प्राइस हमें बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक का इस समय पर मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल वैल्यूएशन पे इस समय पर। मोमेंटम स्कोर चेक करोगे तो बुलिश स्टॉक है हमारे समय पर, ठीक है। तो अगर सभी फैक्टर्स पे आप नजर डालोगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक दिखाई देता है बहुत अच्छा परफॉर्मर दिखाई देता है, बट इसके बावजूद भी आज गिरावट हुई है स्टॉक में। तो सबसे पहले गिरावट की बात करते हैं कि गिरावट क्यों हुई है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा कारण रहा है गिरावट का, वो है कि बाजार में गिरावट हुई है सबसे पहली बात, ठीक है। आप बाजार को देखेंगे तो बाजार काफी ज्यादा लुढ़का है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 5% के करीब गिरावट हुई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो 5% के आसपास गिरावट हुई है। निफ्टी 50 को देखेंगे तो 4% के आसपास की गिरावट निफ्टी 50 में भी है। तो ओवरऑल बाजार में काफी ज्यादा गिरावट का माहौल है, वही एक बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गिरावट का माहौल दिखाई दिया है हमें, ठीक है। ये पहला रीजन है बाजार में गिरावट हुई है। बाजार का एक असर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर दिखाई दिया, ये तो तय है, ठीक है। जो बाजार की गिरावट के कारण है, बाजार क्यों गिरा है हमारा, तो बाजार गिरने का जो बड़ा कारण है वह है FII DII का डेटा। आप देखिए कि एक दिन तो था हमारा जिस दिन NSE का ग्लिच हुआ, उस दिन काफी ज्यादा बाजार में पैसा आया, 28,000 करोड़ के आसपास का खरीदारी बाजार में हुई थी। बट उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर दोबारा से जो चिंदी खरीदारी कहते हैं जिसे, वो हो रही है बाजार में FIIs की तरफ से, और DII जो है हमारे वो दोबारा से नेट बिकवाली में चले गए हैं, नेट सेलर जोन में चले गए हैं, और वही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से बाजार दबाव में लगातार दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक कारण मैं बोलूंगा यहाँ पर, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है आपके लिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हुआ है हमारा, उसमें डिटेल में मैंने सारे रीजंस की बात की है, बट यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो अब देखिए FII DII का जो डेटा है वो काफी मिसमैच करता है हमारे, यहाँ पर बिकवाली का बहुत ज्यादा माहौल है, मुनाफा वसूली बहुत ज्यादा हो रही है बाजार में, और वो एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है। अब दूसरे रीजन की बात करें और बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक स्पेसिफिक क्या खबर है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक हमारे पास ये खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस 4500 करोड़ का शेयर सेल लॉन्च किए गए हैं QIP के थ्रू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। यहाँ पर 4500 के शेयर्स यहाँ पर बेचने की कोशिश की जा रही है, 25 फरवरी की खबर है, आज ये शेयर्स खुले हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पर इस खबर का काफी असर पड़ा है। आप देखिए जो स्टॉक प्राइस था हमारा वो 90 रुपीज का था, यहाँ पर 4500 करोड़ का जो शेयर सेल स्टार्ट हुआ है उसका फिक्स प्राइस है 85 रुपीज 98 पर शेयर, 85 रुपए 98 पैसे, 86 रुपए का एक शेयर यहाँ पर दे रहे हैं, 86 रुपीज का। द फ्लोर प्राइस इज 4.36% डिस्काउंट टू इट्स थर्सडे क्लोजिंग प्राइस। बृहस्पतिवार को जो क्लोजिंग हुई हमारी उससे लगभग 4.5% के आसपास के डिस्काउंट पर ये शेयर सेल जारी हुआ है। तो ये एक बड़ा कारण मिला है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है जहां पर लोगों ने खरीदारी कर रखी है, उनको लगता है कि यार हम खरीद रहे हैं इतना महंगा, हम 90 रुपए की खरीद रहे हैं, ये लोग 86 रुपए का खरीद के मजे ले रहे हैं। तो वो एक बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बनता है। ऐसा ही एक एग्जांपल पिछले दिनों आप सेल के स्टॉक में देखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, तो वहां पर स्टॉक प्राइस हमारा अराउंड 80 रुपीज के आसपास चल रहा था, और वहां पर जो शेयर सेल लॉन्च हुआ तो शेयर सेल हमारा 65 का था, तो वहां पर जो स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई थी वो लगभग 58 के आसपास हमारा स्टॉक प्राइस आकर रुका था। तो वो एक बड़ा, हालांकि रिकवरी बहुत तेजी से हुई है वहां पर, रिकवरी आज भी देखेंगे तो लगभग 76 के आसपास हमारा पहुंचा है स्टॉक प्राइस, तो रिकवरी बहुत तेजी से हुई, और वही एक रिकवरी मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी फॉलो अप करेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बस, ठीक है, शेयर सेल कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा दोबारा से रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। दूसरे बड़े कारण की बात करें कि दूसरा बड़ा कारण क्या है बाजार में गिरावट का, दूसरा बड़ा कारण है कि ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव है। यहाँ पर आप जर्मनी को देखें, यूएस मार्केट को देखेंगे, यहाँ पर NYSE को देखेंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देखें, डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर्स, हमारे ओवरऑल बाजार आप देखें ग्लोबल मार्केट, तो यहाँ पर रेड जोन में दिखाई देते। देखिए ग्लोबल, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की पिक्चर है ये, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है हमारे, वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव है, रेड जोन में बना हुआ है, लगातार रेड जोन में बना हुआ है। चिले और सैंटियागो में थोड़ा सा ग्रीन जोन है, और स्पेन में ग्रीन जोन है, इटली में ग्रीन जोन है, थोड़ा सा वहाँ के मार्केट थोड़े से ग्रीन जोन में है, बट ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे
सभी बाजारों में, चाहे रशिया का बाजार हो, चाहे मेक्सिको का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे अमेरिका का हो, सभी बाजारों में यहाँ पर रेड जोन बना हुआ है। और ये एक बड़ा कारण है। अगर बात करें अगले बड़े कारण की, तो देखिए कि जो हमारा लास्ट बड़ा कारण बनता है बाजार में गिरावट, तो वो है कि जो बाइडेन ने सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया है, बॉम्बार्डिंग कर दी 36 देश के आफ्टर 36 दिन हुए इन्हें राष्ट्रपति बने और इन्होंने बॉम्बार्डिंग कर दी सीरिया के ऊपर। तो वॉर लाइक सिचुएशन जब भी बनेगी हमारी, तो वहां पर स्टॉक मार्केट में गिरावट तय हो जाती है, ठीक है। और वही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हो रही है। ये सारी रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। अब बात करें क्या कुछ अच्छी खबरें भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में लेकर के, तो जी हाँ बिल्कुल। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि वाईपी के थ्रू जो शेयर से लॉन्च किया गया है, उसके बाद बहुत तेजी से रिकवरी होती है। तो ये बस आपको देखना है कि कहाँ तक गिरावट होती है। गिरावट जहां तक भी होती है एवरेजिंग की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है हमारा। आज की हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 21-22% के आसपास की डिलीवरी आज भी उठाई गई है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 87 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, आप देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ठाक बनता हुआ दिखाई देता है क्यूआईपी के बाद। और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक बहुत अच्छा है, आप एज ए स्टॉक देखेंगे, एज ए बैंकिंग सिस्टम देखेंगे तो वो बहुत बेहतरीन काम करता है हमारा, और बहुत रिकमेंडेड स्टॉक है हमारा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही है, कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत रिकमेंडेड स्टॉक है, बहुत सजेस्टेड स्टॉक है हमारा। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एवरेजिंग की जा सकती है। बाजार गिरावट में है कोई दो राय नहीं है, बट इसके बावजूद भी और क्यूआईपी के बाद स्टॉक में भी गिरावट लगातार बनेगी हमारी, बट थोड़ा बहुत जितना भी गिरावट होता है उसके बाद तेजी से रिकवर करेगा और वहां पर आपके लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का पैसा समय आएगा। आप चार्ट की बात करें, अगर कि चार्ट क्या कुछ कह रहा है हमारा, तो देखिए चार्ट भी काफी ठीक ठाक है हमारा इस समय में भी। अगर आप देखेंगे तो मैग्डी हमारा बेरिश जोन में नहीं है, बुलिश जोन में है पूरी तरह से। हमारे जो हिस्टोग्राम है वो अपर साइड में बन रहे हैं, काफी पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, तो टेक्निकल्स भी ठीक ठाक दिखाई देते हैं हमारे। बात करें यहाँ पर हमारे जो एक RSI है, RSI भी 55-56 का हो रखा है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है हमारी, प्राइस मोमेंटम जो है हमारा, वो भी बहुत बेहतरीन है, तो वो भी बहुत अच्छा है हमारा। तो ओवरऑल अगर टेक्निकल्स देखोगे तो ठीक ठाक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। बात करें हमारे जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ, सपोर्ट जोन कहूंगा मैं अभी से, वो ब्रेक हुआ है आज, और वहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। और यहाँ से आप देखेंगे लगातार एक हमारा जो टारगेट है, टारगेट हमारा 89 रुपीज का हो जाएगा पहला, 90 रुपीज का पहला टारगेट हो जाएगा, 89.50 पैसे का हमारा पहला एक टारगेट होगा। और वो टारगेट अगर जैसे अचीव होता है उसके बाद स्टॉक हमारा तेजी से भागेगा। कहाँ तक गिरावट हो सकती है, कहाँ तक गिरेगा स्टॉक हमारा, तो एक जो हमारा बेंचमार्क है, क्या आप मान लीजिए कि ये जो हमारा एक बेंचमार्क है यहाँ तक एक गिरावट हो सकती है। 84 रुपीज तक का हमारा पहला सपोर्ट जोन बनता है हालांकि, बट उसके बाद भी अगर आप देखें तो 78 का 79 का हमारा दूसरा एक सपोर्ट जोन बनता है। तो दो सपोर्ट जोन आपको लेकर चलना है, और यहां तक अगर स्टॉक गिरता है तो एवरेजिंग करिए स्टॉक में, ठीक है। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, इसमें बाइंग भी की जा सकती है, इसमें एवरेजिंग की जा सकती है। होल्ड करके रखेंगे स्टॉक को तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम इसमें सेट हुआ है और पैसा बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक में, ठीक है। क्योंकि जो गिरावट हुई है उसके एक्सटर्नल रीजन ज्यादा रहे हैं, क्यूआईपी के जो शेयर सेल है हमारी वो भी हुई है, वो भी एक बड़ा कारण है, उसकी वजह से भी हुई है गिरावट, बट वो जल्दी रिकवर करता है। ऐसी चीजें होती रहती हैं बाजार में, जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी यही हुआ था, बट स्टॉक ने बहुत तेजी से रिकवरी दिखाई है और वहां पर लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। तो एवरेजिंग यहां पर भी करेंगे तो यहां पर भी पैसा बनेगा आपका, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन।